हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पटवारी रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बाड़मेर जिला मुख्यालय एसीबी के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्रवाई करते हुए रेखा वैष्णव पटवारी पटवार मंडल मोक्सलर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर को परिवादी से 5,500 रूपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका पति 2,500 रूपए लेकर पिछले गेट से फरार हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी के निर्देशन में एसीबी की जैसलमेर इकाई को परिवादी चंदन सिंह पुत्र मांगू सिंह राजपूत निवासी मोकलसर द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा क्रय की गई भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में रेखा वैष्णव जो कि पटवारी हैं मंडल मोक्सलर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर और उनके पति सुभाष वैष्णव द्वारा 15,000 रूपए की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा था, जिस पर परिवादी ने 15,000 रूपए दे दिए। उसके बाद पटवारी का पति परिवादी से RI और अन्य अधिकारियों के नाम पर 10,000 रूपए की और मांग कर रहा था, जिस पर 8,000 में सौदा तय हुआ, जिसका कल शनिवार को एसीबी ने सत्यापन करवाया, जिस पर एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के सुपरविजन में एसीबी जैसलमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज राजपुरोहित के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। आज उनकी टीम द्वारा बाड़मेर में टेप कार्रवाई करते हुए रेखा वैष्णव पत्नी श्री सुभाष वैष्णव निवासी ग्राम मोडी कला तहसील रियाबाड़ी जिला नागौर हाल पटवारी पटवार मंडल मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर को परिवादी से 5,500 रूपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी का दलाल पति सुभाष वैष्णव एसीबी कार्रवाई की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी एवं उसके दलाल पति द्वारा परिवादी से पूर्व में ही 15,000 रूपए रिश्वत की राशि के रूप में वसूल किए गए थे। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश MN के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।